नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं मंच पर बजाने के लिए आपको बेहतरीन ट्यून। बेहतरीन ट्यून यानी कि आप जब भी मंच पर इस ऐसी ट्यूनों को बजाएंगे मित्रों, तो समझिए कि आपका साज बाज जो भी है वो एकदम से झन्नाटेदार हो जाएगा। कैसियो पर इस चीज़ को हम प्ले करेंगे, अर्थात अगर आप बैंड पर बजाना चाहें तो बैंड पर भी बजा सकते हैं, कहीं भी बजाना चाहें। जो ट्यून हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं बहुत सुपर हिट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ में प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आप जान पाएंगे। बीच में अगर छोड़ देंगे तो भैया कुछ जान पाएंगे नहीं, इसलिए प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा वॉच करें। तो फटाफट सीखते हैं पहले ये ट्यून। सॉरी, थोड़ा हाथ जो है आप बजाएंगे तो इस पर आपका साज एकदम से मस्त चलेगा, ठीक है। और ये हमारी ट्यून कौन सी है देखिए। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, थोड़ा हाथ हमारा नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ये सिस्टम है, देखिए आप किस तरीके से लगाए हुए हैं, इसलिए क्षमा कर दें। हाँ, सीखते हैं अपन जो है ऐसा आगे बढ़ाओ, ठीक है। कि तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, रोती रहेंगी दिल में सताए, आती रहेंगी दिल में फिजाए, इसको ना करना, इसको ना करना, इसको ना करना, इसको ना करना। ये ट्यून है, ठीक है। तो स्लो मोशन में इसको सीखते हैं, देखिए क्या है फटाफट जो है। और देखिए ध्यान से, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उस पर ध्यान से फोकस करते हैं तभी, मतलब कहने का ये है कि जब तक हम उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे कोई काम हो, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तेरी बेवफाई को बुला ना सकेंगे लिरिक्स, तो जो है आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बजा सकते हैं। तो फटाफट जो है आप सीखते हैं क्या है क्या नहीं है हमारा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसे हमने, इसके लिए हमने लिया है अपना जी शार्क स्केल। जी शार्क स्केल से इसे जो है सीखेंगे। अब देखिए, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, ये ध्यान से ये चीज़ सीखिए। सा रे कोमल है, ठीक है, गा कोमल है, रे कोमल है, गा कोमल है। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, हो गया ना, इतना हो गया होगा, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे। तो ये हमारे 3-4 सुर दबे हैं यहाँ पर। तेरी बेवफाई को भुलाना, भुलाना सकेंगे, वही 4 बटने दर रही हैं और 4 बटनों पर हमारा आधा गाना प्ले हो जा रहा है। तेरी बेवफाई को भुलाना सकेंगे, देन इसके आगे अपना किसी को हम, अभी अपना किसी को हम, देखिए तो ये हमारा नी कोमल आ रहा है। अपना किसी को हम बनाना सकेंगे, अब ये सीखिएगा, बहुत सिंपल है। अपना किसी को हम बनाना सकेंगे, दो पैटर्न को एक साथ मिलाइए फिर बजाइए। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, हो गया ना, दोनों पैटर्नों के साथ में जब हमने प्ले किया। अब ये आगे काम आ रहा है, रोती रहेंगी मेरी फिजाएं, क्या है, हाँ, रोती रहेंगी मेरी फिजाएं, देखिए। अब और सेम इस पर, ये भी इस पर चलेगा। तुझको तो मिल गया यार अपना, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, ये चीज ध्यान से, वो सेम चल रहा, दोनों लाइन सेम चल रही है।
तुझको तो मिल गया यार अपना, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। अब इससे रोती रहेंगी मेरी फिजाएं, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, रोती रहेंगी मेरी वफाएं, आती रहेंगी दिल से दिल में जो है सताएं। वो सताएं मैं कुछ भी का मतलब जम्पलपुर आप तर्ज याद करिए, ये नहीं आपको गाना है, ये मंच पर गाना थोड़ी है, आपको तो सिर्फ बजाना है। तेरी बेवफाई को भुला न सकेंगे, अपना किसी को हम बना न सकेंगे। सीधा फिर वहां पर जाइए। रोती रहेंगी मेरी सताएं, अब ये देखिए, रोती रहेंगी मेरी सताएं। यहाँ से ध्यान से देखिए, रोती रहेंगी मेरी सताएं, आती रहेंगी। बस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, समझिए आपके पूरे ट्यून कंप्लीट हो गई है। रोती रहेंगी तो क्या है, रोती रहेंगी मेरी सताएं, रोती रहेंगी मेरी सताएं, आती रहेंगी। अभी आती रहेंगी सीधा यहाँ आइए। दिल में फिजाएं अब फिर इसके बाद में इश्क ना करना। ये देखिए, इश्क ना करना गुणे का निशान है। इश्क ना करना तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। तो ये चीज है मित्रों, तो आई हो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।